आज मैं आयुष, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद मी का यूट्यूब चैनल। हम सारे ही लोटस उगाते हैं घर में, लेकिन उसका एक टिप्स है। हम जो मछलियाँ रखते हैं, मैंने उसके लिए एक जुगाड़ बनाया है। आज बोले जब मैं गप्पी का दो जोड़ा लाया था, उनमें से एक मछली कौवे ने खा लिया, इसलिए मैं और दो ऑरेंज कलर का जोड़ा लाया हूँ। रुको, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिख रहा है? हाँ, उधर है, तीनों है एक साथ, एक ही दुकान से लिया है। इधर लोटस के लीव्स भी खुल रहे हैं। मैंने ये देसी जुगाड़ बनाया जिससे मछलियाँ अगर तो कूदते हैं पानी में, कूदते हैं, और हम इधर मिट्टी दिया, पानी का सरफेस भी बहुत लो है, वह ज़्यादा कूदेंगे, इसलिए हमने ये जो सोते हैं मौसाड़ी में, उसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा पार्ट देख के ऐसे करके आपको लेना होगा। उसके बाद कोई भी डंडी लेना होगा, मिट्टी में इसको फंसा के ऐसे करके ऊपर देना होगा, जिसकी मदद से क्या हुआ, यह ढका रहेगा। अगर मछलियाँ कूदेंगे भी इधर आ जाएंगे या इधर आ जाएंगे, अगर इधर आ जाएंगे तो वो फिर से कूदेंगे, फिर से पानी में चले जाएंगे। ये है गाइस मेरा ये देसी जुगाड़। बहुत सारे लोग नेट लगाते हैं, आप लोग नेट भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग देसी या हम देसी स्टाइल में सब कुछ करेंगे एकदम मुफ्त में। या डंडा तो सबके घर में एक होगा, एक ना एक डंडा। डंडे से देखिए ऐसा एक जुगाड़ बनाया हमने। इसमें बोले तो सबका ग्रोथ ही अच्छा होगा, गप्पियों का भी ग्रोथ अच्छा होगा। उसका खाना दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, मच्छर देखिए बहुत सारे इधर मच्छर आ रहे हैं, इस पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं लार्वा देने के लिए, जिससे क्या होगा और भी मच्छर प्रोड्यूस होंगे, इससे क्या होगा मच्छर के बच्चे ये खा लेंगे। लेकिन ऐसा करने से कौवा नहीं आएगा, ये बाहर कूद के भाग नहीं पाएंगे, ये एक सेफ्टी है। लेकिन खाने के लिए आपको फिश फूड देना होगा, जैसे कि देखिए मैंने इसको फिश फूड दिया है, बहुत सारा इन लोगों ने खा भी लिया, देने के साथ ही बहुत सारा खा लिया। ये देखिए पत्ता, ये देखिए ये खुल भी रहा है। तो गाइस आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, तो गाइस तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये हमारा वीडियो देख के कैसा लगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।